तेनाली रमन और तीन गुड़िया। महान राजा कृष्ण देव राय के दरबार में बहुत से बुद्धिमान मंत्री थे, उनमें से सबसे बुद्धिमान तेनाली रमन थे। एक दिन एक विदेशी व्यापारी राजा के दरबार में आया। उसने राजा को नमन किया और फिर कहा, महाराज, मैंने कई लोग से सुना है कि आपके दरबार में बहुत से बुद्धिमान मंत्री हैं, लेकिन आपकी अनुमति के साथ मैं आपके मंत्रियों के ज्ञान का परीक्षा करना चाहूंगा। इससे राजा उत्सुक हुए और उन्होंने व्यापारी को अपनी अनुमति दे दी। व्यापारी ने राजा को तीन गुड़ियां दी जो कि एक समान दिखती थी। उन्होंने कहा, हालांकि ये गुड़ियां एक जैसी दिखती है, लेकिन वे किसी तरह अलग हैं। यदि आपके मंत्री इस अंतर का पता लगा सकते हैं तो मैं उनके ज्ञान को नमन करूंगा, लेकिन अगर वे नहीं कर सकते तो मैं मान लूंगा कि आपके दरबार में कोई बुद्धिमान मंत्री नहीं है। मैं जवाब के लिए 3 दिन बाद वापस आऊंगा। राजा ने तेनाली रमन को छोड़कर अपने सभी मंत्रियों को इकट्ठा होने के लिए कहा। उन्होंने उन्हें 3 गुड़ियां दी और कहा कि वे 3 दिन के समय में उनमें अंतर खोजें, लेकिन 3 दिनों के अंत में कोई भी मंत्री इस अंतर का पता नहीं लगा सका। राजा चिंतित हो गए और उन्होंने तेनाली रमन को बुलाया। उन्होंने उससे कहा, तेनाली, मैंने तुम्हें पहले नहीं बुलाया था क्योंकि मुझे लगा कि यह समस्या बहुत आसान होगा, लेकिन अब जब कोई भी मंत्री समाधान ढूंढने में सफल नहीं हुए तो यह अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इन गुड़ियों के बीच अंतर निकालो। तेनाली ने 3 गुड़ियों को लिया और चले गए। तेनाली के लिए भी यह समस्या मुश्किल साबित हुई, लेकिन आखिरकार बहुत प्रयास के बाद उन्होंने इस अंतर का पता लगा ही लिया। जिस दिन व्यापारी को वापस लौटना था, तेनाली उस दिन 3 गुड़ियों के साथ दरबार में गए। फिर उन्होंने पूरे दरबार के सामने घोषणा की कि उन्होंने गुड़ियों के बीच अंतर निकाल लिया है। उन्होंने कहा, ये 3 गुड़ियां अलग अलग है क्योंकि उनमें से एक अच्छी है, एक साधारण है और एक बुरी है। जब सभी ने तेनाली से पूछा कि कौन सी गुड़िया क्या थी, तो उन्होंने उन्हें एक छोटा छेद दिखाया जो हर गुड़िया के कान में मौजूद था। फिर उन्होंने एक बहुत ही पतली तार ली और उस पहली गुड़िया के कान के छेद में डाल दिया। गुड़िया के मुंह से तार निकला। उन्होंने दूसरी गुड़िया के साथ भी ऐसा ही किया और तार गुड़िया के दूसरे कान से निकला। तीसरी गुड़िया के कान से वह तार उसके दिल में चला गया और बाहर नहीं निकला। तेनाली रमन ने समझाया, पहली गुड़िया में तार कान से गया और मुंह से बाहर आया, इसलिए यह गुड़िया खराब है क्योंकि यह उन लोगों को दर्शाती है जो बात गुप्त नहीं रख सकते। दूसरी गुड़िया में तार दूसरे कान से निकला, तो यह गुड़िया साधारण है और उन लोगों को दर्शाती है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि उन्हें क्या कहा गया है। तीसरी गुड़िया, जिसमें तार दिल में गया और बाहर नहीं आया, अच्छे लोगों को दर्शाती है जो उस रहस्य को संभाल कर रखेंगे जो आप उन्हें बताते हैं। राजा, व्यापारी और सभी दरबारी तेनाली के अक्लमंद उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। तब तेनाली ने कहा, लेकिन इसका एक और मतलब भी हो सकता है। पहली गुड़िया उन लोगों को दर्शाती है जो ज्ञान प्राप्त करते हैं और इसे दूसरों के साथ बांटते हैं, इसलिए यह गुड़िया अच्छी है। दूसरी गुड़िया उन लोगों को दर्शाती है जो यह नहीं समझते हैं कि उन्हें क्या सिखाया जाता है, इसलिए यह साधारण है। तीसरी गुड़िया उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जिनके पास ज्ञान है, लेकिन यह सब वह अपने तक ही रखते हैं। वे किसी को कुछ नहीं सिखाते और इसीलिए वे बुरे लोग हैं। राजा और भी प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, क्या कोई और भी मतलब हो सकता है? क्या आप राजा को बताने के लिए कोई तीसरा जवाब सोच सकते हैं?